ओम शांति। आज के 18/8/2020 के शिव बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाबा से मुझे पूरा वर्षा लेना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाबा को तो सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाबा रोज रोज समझाते हैं, जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाबा को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने के बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात तो एक ही है, यह तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बेहद के बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी बाबा की याद आएगी। मनुष्य ओम या कृष्ण इसका चित्र भी लगाते हैं, सो भी याद करने के लिए। अब ये तो नए से नई याद है, ये सिर्फ बेहद का बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो ही सब गिरते हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को भी गिराने का और सबको ही गिराने का। बाबा कहते हैं, मैं भी यहाँ आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलानी कर दी है, भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से। इनका भी अर्थ बाबा आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाबा की है, अभी तुम जानते हो बाबा आते जरूर हैं। शिव जयंती भी मनाते परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी वही करते हैं और सब जानते हैं हमारा धर्म फलाने समय में स्थापन हुआ। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाबा आकर समझाते, बाबा ही सबसे ऊंच है और किसी की महिमा नहीं है। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाबा ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है ना? रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की तो बात ही नहीं, ये हार जीत की कहानी सारे भारत की है। बाकी तो बाई प्लाट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता।
सो भी सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता पतित पावन। अब इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बगैर लाइट वाला पतित भी हो। वे कभी बगैर लाइट वाला होता नहीं, बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत घुये घुये बातें बाबा समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य तो याद की यात्रा है, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी ये जांच करो कि याद में हम अच्छी रीति रहते हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने के कारण अच्छी रीति याद नहीं करते हैं, सारा दिन वायुमंडल को खराब कर देते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट बैठते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर में भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत हो जाएगी। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं हैं, क्योंकि अगर झूठ लिखेंगे तो दंड पड़ जाएगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते भी रहते हैं, सच बताएंगे ही नहीं। बाबा कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाएगा? कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताते हैं, इसीलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, उससे तो और ही सीखेंगे। यहाँ तो सब सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए तो बहुत सहज है, याद में कितनी मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वे तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज तो होगी। बाबा तो सत्य है, चैतन्य है, वे ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये बिल्कुल अनकॉमन बातें हैं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए, ड्यूरेशन को तो जानते ही नहीं, तो बाकी क्या जानेंगे? तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। इसलिए बाबा सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो, क्योंकि राय तो कोई भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं जिनके नाम हैं उनको ही देना है। बाबा कहते नहीं, हमारा नाम नहीं है तो हम क्यों दें, कैसे दें? कोई को भी सर्विस अर्थ राय हो तो एडवाइस हो तो लिख सकते हो। बाबा कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी बाबा को राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय देते हैं। बाबा तो कहते रहते हैं किसी भी युक्ति से भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो ना। माया ने बिल्कुल सुला दिया है। बाबा आते हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब पढ़ो या ना पढ़ो, मरना तो जरूर है। तैयारी करो या ना करो, नई दुनिया तो स्थापन जरूर होगी। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है कि चावल मुट्ठी लेकर आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है तो उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का भी मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर भी देखो कितना ऊंचा पद मम्मा ने पाया।
इसमें कोई पैसे की बात नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ पैसे की बात नहीं, केवल याद में रहना है, औरों को आप समान बनाना है। बाबा तो किसी से भी फीस नहीं लेते हैं, समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना हम यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ चला जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, उससे तो कुछ सफल कर ले। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्प काल के लिए फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, तो बाबा ने कहा धर्मशाला आदि बना देते हैं, फिर उनको दूसरे जन्म में मकान आदि अच्छा मिल जाता है, परंतु फिर भी बीमारी तो होगी ही। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई तो उनको तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के पाप के द्वारा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना बहुत अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, अब वह तो बाबा ने कहा शांति धाम में मिलेगी, और सत्युग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं है। अशांति कहाँ है, रावण राज्य में। गायन भी है राम राजा राम प्रजा जाको बहु परिवार, ये है वह है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में तो मरने का अक्षर नहीं होता है, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर भी जाते हैं, इसको मृत्यु लोक उसको अमर लोक कहते हैं, वहाँ मरना होता नहीं है। पुराना एक शरीर छोड़कर फिर बालक बन जाते हैं तो रोग होता नहीं है, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत से तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वे कम हैं क्या, इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया, अरे हमको बताने वाला बाबा है, इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो ना, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी तुम बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं। बिरादियाँ भी होती है, तुम्हारी देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो, ये किसी को बुद्धि में रह नहीं सकता है। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते हैं। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का तो नहीं पड़ता है। तो बाबा समझाते बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी तुम्हें विक्रम नहीं करने हैं, और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। लेकिन इसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडे के साथ अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे, आगे चलकर तुम देखते रहेंगे। जाते ना तो सेंटर से कितने भाई बहन जाते हैं, तो पहले तो थोड़े ही कुछ कहते हैं, जो होता रहेगा तुम देखते भी रहेंगे। ये बेखत का ड्रामा है, तुम्हारा सबसे मुख्य पार्ट बाबा के साथ है, तो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। बाबा तो दुख हरता सुख करता है, दुख से आकर बच्चों को लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियाँ हैं, बस के समझेंगे यही स्वर्ग है। ये सब माया का पंप है, सुख के लिए साधन बहुत करते हैं।
बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत देखो कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ तो मरने का भी डर नहीं रहता है, यहाँ तो अचानक मर जाते फिर कितना शोक करते हैं। फिर समाधि पर जाएंगे, फिर आंसू बहाएंगे। हर एक की अपनी अपनी रस्म और रिवाज होती हैं, अनेक मतें होती हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होंगी नहीं, वहाँ तो एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हैं उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की वा पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या देगी, अब बावन का आसुरी मत है तो आसुर की तरफ ही ढकेलेगी ना। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊँच से ऊँच इसलिए गाया हुआ है श्री मत भगवान उवाच। तुम बच्चे श्री मत से सारे विश्व को हैविन बना देते हो, उस हैवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर बाबा से श्री मत लेनी है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो वो मत पर भी नहीं चलते हैं। बाबा ने समझाया, किसी को भी अपना कुछ अकल हो राय हो तो बाबा को भेज देना चाहिए। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने के लायक है, नए नए बच्चे निकलते भी रहते हैं, बाबा सब जानते हैं कि कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में सबको याद कराते रहें। भारत में जब सत्युग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की बात नहीं है, सबका एक बाप है। बाबा कहते माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, नमस्ते नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है, श्री मत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, आश्री मत से अपनी संभाल करनी है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वे सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। और आज का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं या परिस्थितियां तो आनी ही हैं, जन्म लेते ही हैं, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। बाबा ने कहा परीक्षाएं और समस्याएं तो आती ही हैं, और जब रास्ता तय करना है और रास्ते के नज़ारे ना हो ये तो कैसे हो सकता है, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाबा की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। कि अगर चलते चलते मंजिल में हम ये पूछने लगते हैं ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं और बाबा के साथ हमारा कनेक्शन लूज होता है। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। और आज का स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।